गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो सफ़र होने वाली है रियाद सिटी बस में, यानी रियाद जो मेट्रो का जो ट्रांसपोर्ट बस होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें तो इस बस का आज आनंद लेंगे। अगर आप लोग भी इस बस में सफ़र नहीं किए तो एक बार सफ़र करके ज़रूर देखिएगा। और इस बस में मैं सुना हूँ सिर्फ 4 रियाल में पूरे रियाद में आप कहीं भी जा सकते हो। जो बस की सर्विस है हर 5 से 7 मिनट के अंदर है। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, पहले मैं बस का वेट करता हूँ और टिकट देखता हूँ कि टिकट ले करके बस आएगा, बैठ करके फिर आगे की ओर चलेंगे। तो ये रियाद सिटी बस आ चुका है, अब इसके अंदर एंट्री करते हैं। हालांकि बस स्टैंड पर टिकट मिला नहीं है, अंदर इसका सुविधा भी है। ये बस का एंट्रेंस गेट है, जैसे गेट से एंट्री करते हैं ये सामने मशीन है, इसमें ATM कार्ड को टच करो और ये एंट्री हो जाएगा। ये ड्राइवर का पूरा सिस्टम है और ये पूरा का पूरा बस की क्लीनिंग है। यहाँ हम दोनों साइड कहीं भी बैठ सकते हैं और उसके बाद सामने डिस्प्ले भी लगा हुआ है इसके। और यहाँ पे 2 मशीन है, एक इस साइड है, दूसरा इस साइड है। उतरते वक्त अपना ATM कार्ड को इसमें टच करना होता है। तो ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा क्लीन है। और इसके अंदर 3 दरवाजे हैं। तो मैं इस वक्त हूँ रियाद के सिटी बस में, हालांकि ग्रीन कलर का बस है और बहुत अच्छा सुविधा है। अगर मैं सिफा सनाया से अपने रूम पर जाने के लिए टैक्सी करता तो टैक्सी वाले अराउंड 30 रियाल चार्ज करता। यहाँ 4 रियाल में मैं पूरी रियाद का चक्कर काट सकता हूँ इस बस के अंदर बैठ करके। और इस बस में टिकट लेने के लिए कैश भी है और कार्ड भी है। और कार्ड कैसा है, स्टार्टिंग में जब हम जहाँ से गेट से एंट्री करते हैं वहाँ मशीन रखा है, उसमें ATM कार्ड टच करो। जब उतरना हो तो लास्ट में फिर दूसरा मशीन है, उसमें टच करके उतर जाओ, उनके पैसे ही वो फिर चार्ज काट लेते हैं। तो इस बस के अंदर 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे, एक मेन एंट्रेंस का मतलब एंट्री करने का और 2 एग्जिट करने का। अच्छा सुविधा है, 4 रियाल में क्या लूँगा और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छा सुविधा है। और इनमें आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि टिकट ऑनलाइन बुक करना होता है, तो ऑनलाइन टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए वाईफाई वाला। अगर वो आपके पास बगैर वाईफाई का कार्ड है तो वो भी चलेगा, पर उसके लिए फिर अंदर वो डाल करके कोड डालना पड़ता है, जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो वाईफाई ज़रूरी है। तो अब रियाद और रियाद नहीं रहा, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। यहाँ वही लोग सफ़र करते थे जिसके पास टैक्सी खुद की होती थी या खुद की गाड़ी होती थी, या टैक्सी से सफ़र करो। और अभी के टाइम में जैसे मर्जी सफ़र करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी बस स्टैंड है, सभी बस स्टैंड पे ये बस रुकती है, चाहे सवारी हो या ना हो, 30 सेकंड के लिए दरवाज़ा खोल करके और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सवारी दिख रहा है तो ही बस रुकेगी, नहीं, ये रूल है कि हर बस स्टैंड पे रोकना और दरवाजे खोलना और 30 सेकंड तक वेट करना, उसके बाद फिर आगे चल देना। सोचा जाए तो हालांकि अच्छा सुविधा है, जो इस बस को चला रहे हैं ना वो मसरी है, मतलब मसर कंट्री का है वो ड्राइवर उसमें। और ये है, तो फाइनली बस से मैं नीचे उतर चुका हूँ और मैं इस वक्त हूँ पांडा के पास। ये है पीछे हाइपर पांडा दिराब रोड पे। और जो बस का सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा, 4 रियाल में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ बस स्टैंड तक। और ये पीछे बस स्टैंड है, हालांकि यहाँ भी मशीन लगी हुई है टिकट काटने के लिए, जिसे टिकट लेना है वो लोग ले सकते हैं, ये मशीन है। और इस मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ATM है तो आप सीधा बस के अंदर जाओ और कार्ड टच करो, और उतरते वक्त फिर जो उतरने वाली जो लास्ट वाला एग्जिट वाला दरवाज़ा उस पर कार्ड टच करो, पैसा कट जाएगा और निकल जाओ। बहुत अच्छा सुविधा है, कम पैसे में आप सऊदी अरबिया रियाद के अंदर जहां मर्जी घूम लो, पूरी रियाद 4 रियाल में टूर कर सकते हो। यानी एक बस के अंदर अगर आप बैठ जाते हो ना, वो बस चाहे 1 घंटे में आपको छोड़े या 2 घंटे में छोड़े, समझ लो उसी 4 रियाल में ये आपका सफ़र रहेगा। ये जो बस का सफ़र है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहा। हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा बस का सफ़र, क्योंकि कम पैसे में और ट्रैवल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।